डेढ़ करोड़ लोगों की जान कोविड में दुनिया में गई, उसमें से 47 लाख इंडिया में। मतलब दुनिया में हर 3 में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कोविड के दौरान जिसकी डेथ हो रही थी। भारत सरकार ने देश के लोगों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को तार तार क्यों किया? क्यों दुनिया की एजेंसीज, वैश्विक एजेंसीज कह रही है कि झूठा डाटा देने में दुनिया में नंबर 2 स्थान पर भारत है, ऐसा वैश्विक एजेंसीज क्यों कह रही है? क्यों हमने हमारी कोविड डेथ्स को 10 गुना कम करके दिखाया है, ऐसा क्यों किया गया है? भारत सरकार ने चिरपरिचित अंदाज में कह दिया, हम इस डेटा को नहीं स्वीकार करते। ठीक है, CMI का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, WHO का डेटा आप स्वीकार नहीं करते हो, आपको अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन डिवाइडर इन चीफ का खिताब देती है उसकी बात आप स्वीकार नहीं करते हो। हिंदुस्तान के एक अखबार ने एक मध्य प्रदेश राज्य में बताया कि 1 महीने में 1 लाख से ज़्यादा कोविड के दौरान मृत्यु हुई, उसके ऊपर आपने छापा पड़वा दिया। पर एक चीज तो देश के हर व्यक्ति ने देखा और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोविड के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान, माँ गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी और दुनिया की बड़े बड़ी रिसर्च एजेंसीज और दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार हमारी कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में बड़े बड़े लेख लिख रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली में, देश के बड़े शहरों में, लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे। एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लोग, जिस तरह से रेमडेसिविर नहीं होने के कारण, ICU बेड नहीं होने के कारण, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प के कोविड 1 और कोविड 2, पहली और दूसरी वेव में हिंदुस्तान में मर रहे थे।